हेलो एवरीवन, ये है पार्ट टू कैल्शियम होम्योस्टेसिस के वीडियो का। तो इसमें हम बात करेंगे विटामिन डी, थायरोकैल्सिटोनिन एंड इंसर्टेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अगर विटामिन डी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस होता है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या एक्शंस हैं, किस तरह काम करता है, एंड दैट्स ऑल। सो पैराथॉर्मोन का इसके फॉर्मेशन में क्या रोल है कि जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल का कन्वर्जन होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में, किडनी में कन्वर्जन होता है, इसमें इन्फ्लुएंस होता है पैराथॉर्मोन का। और इतना होता है कि अगर पैराथॉर्मोन ना हो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कन्वर्जन होता है, यानी कोई एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं बनेगा अगर पैराथॉर्मोन नहीं हुआ तो। इसके रिसेप्टर्स विटामिन डी के होते हैं न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। मीन्स विटामिन डी को हम विटामिन कम और एक हार्मोन ज़्यादा मानते हैं, तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में ही मिलते हैं, मतलब काफ़ी हर सेल को इन्फ्लुएंस करने वाले इसके एक्शंस रहेंगे। तो देखते हैं इसके एक्शंस के बारे में। पहला है प्रमोट इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि पैराथॉर्मोन की तरह थोड़ा थोड़ा एक्ट करता है, तो ब्लड में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के थ्रू। कैसे बढ़ाएगा कि जैसे हमने म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी पढ़ी थी आयरन एब्जॉर्प्शन में, कुछ कुछ उसके जैसा है, पूरा नहीं है बट कुछ कुछ उसके जैसा है कि एक प्रोटीन कालबाइंडिन नाम का, काल बाइंडिन, काल मीन्स कैल्शियम एंड बाइंडिन, उसको बाइंड करने वाला एक प्रोटीन इंटेस्टाइनल सेल्स में फॉर्म होता है इन इफेक्ट ऑफ विटामिन डी, और वो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है। यानी अगर कैल्शियम को बाइंड करने वाला प्रोटीन ज्यादा बन रहा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑल्सो भी इनहेंस्ड, तो उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होगा और फिर जिस हिसाब से बॉडी की नीड होगी बॉडी उसको इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके यूटिलाइज कर लेगी। तो और बाकी अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम बच जाता है तो वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जब सॉरी नॉट म्यूकोसा इंटेस्टाइनल सेल्स जो है वो जब रिप्लेस होंगी तो उसके साथ में बाहर चला जाएगा बॉडी से। इसी के साथ ये फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाते हैं। यूजुअली पैराथॉर्मोन फॉस्फेट के लिए अपोजिट एक्शन शो करता है कैल्शियम से, बट विटामिन डी के केस में फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन एनहेंस होता है, बट ये सेकेंडरी टू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है। मीन्स अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो फॉस्फेट को एब्जॉर्प्शन को भी एनहेंस करेगा। मीन्स इसका कोई मेटाबॉलिक कंट्रोल नहीं है, बस आयनिक बैलेंस है। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सेम डिक्रीज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करेगा किडनी से लाइक पैराथॉर्मोन। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि विटामिन डी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो ये बोन का रिजॉर्प्शन करने लग जाएगा, यानी बोन से कैल्शियम को विड्रॉ करने लग जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने लग जाएगा। लेकिन जो एक्चुअली इसका फंक्शन होना चाहिए था पैराथॉर्मोन के रेस्पॉन्स में, वो तो हो गया बोन रिजॉर्प्शन, कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ाना ब्लड में। बट अगर वाइटामिन डी का कंसंट्रेशन स्लाइट इंक्रीज करता है, वाइटामिन डी का कंसंट्रेशन स्लाइट इंक्रीज करता है तो बोन डिपोजिशन बढ़ता है। ऐसा क्यों? मतलब विटामिन डी थोड़ा बढ़ा तब तो बोन का डिपोजिशन, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बोन रिजॉर्प्शन। इसका पॉसिबल लॉजिक यह है कि क्योंकि थोड़े से इंक्रीज विटामिन डी में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है बोन के अंदर। हालांकि पॉसिबल मैकेनिज्म है, मतलब एज सच इसका कोई प्रूफ नहीं कि ऐसा ही होता होगा, बट हमने एक अजम्पशन किया है कि शायद इस वजह से कि इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की वजह से थोड़ा डिपोजिशन में भी चला जाता है। दैट्स ऑल, इतना कोई ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। तो कैल्सिटोनिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कैल्सिटोनिन ह्यूमन एडल्ट्स में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो मेजर इफेक्ट है वो एनिमल्स और ह्यूमन बेबीज जो हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसको हमेशा जो पैराथॉर्मोन का रेगुलेशन है वो ओवरकम कर ही लेता है। कैल्सिटोनिन एक अमाइनो एसिड यानी पेप्टाइड हार्मोन है, 32 अमाइनो एसिड्स का कॉम्पोजिशन है। पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स जो थायराइड में होती हैं वो ये सिक्रीट करती है। अराउंड 3400 का मॉलिकुलर वेट है। अब इसके एक्शन की बात करते हैं कि इंक्रीज कैल्शियम कंसेंट्रेशन का स्टिमुलस है, यानी पैराथॉर्मोन का कॉन्ट्रोलेटरी हार्मोन है, कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ब्लड में कम करेगा। तो कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन हुआ और ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है, या फिर कहूँ उनका फॉर्मेशन, उनका मेच्योरेशन, उनका प्रोलिफरेशन जो है वो सप्रेस होने वाला है। नाउ दैट्स
टू शॉर्ट अबाउट द कैसेटोनिन। मैंने जैसा पहले भी कहा कि एडल्ट पे इसका कोई ज्यादा इफेक्ट है नहीं, तो इतना इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द कैल्शियम कंसेंट्रेशन रेगुलेशन इन द ब्लड, कि किस तरीके से पूरा सारे हॉर्मोन्स विटामिन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है बफर फंक्शन। बफर का मैंने मतलब कई बार बताया कि कोई ऐसा सिस्टम जो बहुत ही स्मॉल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंज को रेजिस्ट करता हो। ओके, सो बफर फंक्शन मीन्स कुछ ऐसे कैल्शियम आयन कंट्रोल मेथड्स जो बहुत ही स्लाइट चेंजेस को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देते हो। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये एक्ट करेगा। इसमें है एक्सचेंजेबल कैल्शियम सॉल्ट्स इन बोन्स, मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो विदाउट ज्यादा एक्टिविटी, जो कैल्सिटोनिन एंड ऑल दैट हॉर्मोन्स की एक्टिविटी के बिना ही खुद एक्टिवेट होके कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। रिजर्व इन लिवर एंड इंटेस्टाइन, जैसे मैंने बताया कि कार्बाइनिन की वजह से एक रिजर्व रहेगा कैल्शियम का इंटेस्टाइनल सेल्स में, और लिवर में भी कैल्शियम का रिजर्व रहता है, तो वो एक्सचेंज करते हुए नॉर्मल या माइन्यूट चेंज को रेजिस्ट करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैनी टिश्यूज, इट्स इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज गुड रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयंस, ये एक पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। तो वहां से भी कुछ कैल्शियम आयंस बफर करते रहेंगे। सेकेंड इज मेन मेजर रेगुलेशन, दैट इज हार्मोनल, और इसमें भी मेजर पैराथॉर्मोन का। अब बात करते हैं डिजीज के बारे में, जो आज का हमारा वीडियो का मेजर पोर्शन है। तो स्टार्ट विथ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथॉर्मोन का लेवल कम होगा। अब इस पैराथॉर्मोन के कम लेवल की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे बोन के मेटाबॉलिज्म पे? तो ऑस्टियोसाइटिक रिजॉर्प्शन जो है, यानी जो बेसिकली ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोसाइट जो विड्रॉ कर रही थी कैल्शियम को बोन फ्लूइड से, वो कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट रुक जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे आयरन के लिगेंड्स एंड जो एमसीएसएफ लिगेंड्स के थ्रू पूरा फंक्शनिंग होता है इसका, वो काफी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन, यूजुअल कंसेंट्रेशन ऑफ 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगी। कितने कम होने पे क्या फीचर्स आते हैं वो देखिए। अगर ये 6 to 7 की रेंज में है, यानी 6 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो टिटनी होगी। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एस्टाइल कॉलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी वेसाइकल्स का रिलीज और एक्सोसाइटोसिस के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम होती है तो इन्फ्लक्स कम होना चाहिए और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन जो है वो कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं जो बेसिकली डीपोलराइजेशन को थ्रू द एक्सॉन लेके आ रहे हैं, उनको गार्ड करता है कैल्शियम आयन। तो अगर कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन कम होगी तो सोडियम चैनल्स की गार्ड, या जिसको कह सकते हैं उनको बंद करके रखता है, वो ओपनिंग हो जाएगी, कैल्शियम वहां से हट जाएगा। तो सोडियम लोकल डिपोलराइजेशन होगा, मतलब जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट है टीलोडेंड्रिया वाला, वहां पे डिपोलराइजेशन हो जाएगा और वो फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराएगा जो इतना सफिशियंट होगा कि टिटनाइजेशन कॉज करा दे। ओके, सेकंड सीजर्स। सीजर्स बेसिकली क्यों आ रहे हैं? अभी मैंने कहा कि एक्सॉन और नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई, तो सीजर्स में बेसिकली होता है कि सीएनएस में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कुछ न्यूरॉन्स, कुछ पाथवेज, तो उसकी वजह से सीजर्स आते हैं। नाउ अब हो सकता है कि कंसेंट्रेशन इससे भी कम चली जाए, वो लीथल कंडीशन होती है। लीथल ये क्यों हो रही है कि लैरिंजियल मसल जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये स्पाज में चली जाती है। बहुत ज्यादा टिटनाइजेशन होगा तो स्पाज्म आ जाएगा इनमें, और ये एक तरीके से रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देंगे, और रेस्पिरेशन में ब्लॉकेज की वजह से डेथ हो जाएगी। इसमें एक चीज याद रखें कि बोन डेंसिटी विल रिमेन नॉर्मल। हम यूजुअली सोचते हैं कि अगर ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो रहा है तो ऑसिफिकेशन कम हो जाएगा, या फिर उसमें बोन में सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन मेंटेन नहीं रह पाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। बोन डेंसिटी नॉर्मल रहता है, क्योंकि अगर कैल्शियम कम आ रहा है बॉडी में, रीअब्सॉर्प्शन कम हो रहा है इंटेस्टाइन से, इवन आफ्टर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी तो कम है, तो उसकी वजह से रिमूवल नहीं हो रहा है, तो बोन डेंसिटी विल रिमेन नॉर्मल। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का। तो इसमें हमें लार्ज क्वांटिटी जो होती है वाइटामिन डी की, वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम उसको पेशेंट को देते हैं, और कुछ नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं एज ए सप्लीमेंट। एंड देन अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा ही है तो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी, यानी जो किडनी में कन्वर्जन के बाद बन रहा था 125 डायहाइड्रोकॉलीकैल्सिफेरॉल, तो ये इसका जो प्रिकर्सर होता है 25 हाइड्रोक्सीकॉलीकैल्सिफेरॉल, उससे 1000 टाइम्स ज्यादा एक्टिव होता है।
तो बेसिकली हम ये थोड़ा एडवांस या एक्टिवेटेड फॉर्म्स में बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो पर्सन रिकवर कर जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी पैराथॉर्मोन का हाइपर लेवल्स, इंक्रीज लेवल। इसका रीजन क्या है कि पैराथॉर्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा ड्यू टू सम ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के ट्यूमर्स क्यों होते हैं, ऐसे क्या रीजंस है जिसको हम प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स है जो ट्यूमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम कंसेंट्रेशन हमेशा ड्रॉप रहते हैं, तो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉमोन के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा है कि किस तरीके से कैल्शियम कंसेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहे। ओके, सो उस समय ये हाइपरट्रोफाइज हो जाएगा क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फंक्शनिंग ज्यादा है, एंड हो सकता है कि ये कंडीशन, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन, इन फ्यूचर ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, और पैराथॉर्मोन जब इंक्रीज होगा तब क्या क्या होगा वो देखते हैं। कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से, और फॉस्फेट आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा अगर माइल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। आई रिपीट, अगर माइल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो फॉस्फेट आयन कंसेंट्रेशन कम होगा जो नॉर्मली होना चाहिए, बट अगर सीवियर पैराथॉर्मोन का रिलीज है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, तो फॉस्फेट कंसेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि जब बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है तो वहां से कैल्शियम फॉस्फेट निकल रहा है, उस कैल्शियम फॉस्फेट से कैल्शियम तो इंक्रीज कर रहा है और फॉस्फेट को पैराथॉर्मोन बाहर निकाल रहा है, बट इतना इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा कि किडनी उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा एंड फॉस्फेट कंसेंट्रेशन विल राइज स्लाइटली। अब बात करते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की। बोन्स से स्टार्ट करते हुए, अगर माइल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजप्शन, मतलब बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन इक्वल्स टू बोन्स से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन, मींस बोन डेंसिटी विल नॉट बी इफेक्टेड। अगर माइल्ड इंक्रीज है, बॉडी उसको कॉप अप कर लेगी, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उतना वापस मैट्रिक्स या जिसको कहें कैल्शियम आयंस का डिपोजिशन करा देगी जितना रिमूव हो रहा है, बट अगर सीवियर केस है तब बहुत ज्यादा कैल्शियम लॉस हो रहा है, डिकैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बोन डेंसिटी एंड बोन कैल्शियम अमाउंट विल डिक्रीज। अच्छा, डिकैल्सिफिकेशन हो गया और बोन डेंसिटी कम हो गई तो फ्रैक्चर्स की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। माइल्ड ट्रॉमा यानी थोड़ा सा भी झटका लगा, ट्रॉमा लगा तो उसके से फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, अब पैराथॉर्मोन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा है कहीं कहीं जगह पे, तो वहां पे लार्ज पंच्ड आउट सिस्ट, लार्ज मीन्स बड़ा, पंच्ड मीन जैसे किसी ने पोर्शन निकाला हो बोन्स में से, और सिस्ट मीन्स ए एरिया कैविटी टाइप, तो वो डेवलप हो जाएगा जहां पे क्लास्टोजेनेसिस काफी ज्यादा है, या जिसको कहें कि क्लास्ट की एक्टिविटी काफी ज्यादा है, वहां से जैसे लगेगा कुछ कैल्शियम यहाँ से डायरेक्ट जैसे पंच आउट करके निकाल लिया। ओके, तो वो हमें सिस्ट देखने को मिलेंगे एक्सरे में। अब क्योंकि एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्ट की काफी बढ़ गई है तो उनका सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो जाइंट सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट ट्यूमर मीन्स दे विल अपीयर लाइक ट्यूमर, बहुत सारी वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होगी और बहुत ज्यादा बड़ी ऑस्टियोक्लास्ट होंगी, तो ये देखने को भी हमें मिलेगा। अब बात करते हैं मसल्स पे होने वाले इफेक्ट की। हमने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में डिस्कस किया कि मसल्स टेटनाइज करेंगी ड्यू टू द रैपिड स्टिमुलेशन, बट यहाँ पे कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होने पे मसल्स वीकनेस दिखने को मिलेगी। ओके, मसल वीकनेस का रीजन डिक्रीज नर्वस एक्साइटेबिलिटी, मतलब मसल्स को कम स्टिमुलस मिल रहे हैं, वो लेस ऑफन स्टिमुलेट हो रही है, तो उसकी वजह से वीकनेस अपेयर होगी। अच्छा, अब क्योंकि कैल्शियम आयन कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां मसल प्रॉपर्टीज है वहां वहां ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी ड्यू टू द डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ मसल, मोर्टेलिटी विल डिक्रीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी विल डिक्रीज ड्यू टू द लेस इफेक्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अपेयर होगा। अच्छा, अब अगर हमने बात की कि नर्वस एक्साइटेबिलिटी कम हो रही है और ये फंक्शन अगर सीएनएस पे डिप्राइव होता है तो डिप्रेशन विल बी देयर, मतलब जब बहुत ही ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट्स होंगे ब्रेन में तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने रिसेंटली सीबीएस की प्लेलिस्ट में देखा, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन राइज करती है तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो है, डायस्टॉल जो है हार्ट का, वो इफेक्टेड होगा एंड द हार्ट विल हैव ए ग्रेटर टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, तो इससे रिलेटेड भी कुछ एबनॉर्मलिटीज सीवियर केसेज में देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं पैराथायरॉयड पॉइजनिंग की। ये क्या है? ये एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कि किस तरह फास्फेट का सीवियर केस में कंसेंट्रेशन राइज करता है, दैट इज द पैराथायरॉयड पॉइजनिंग। तो इंक्रीज फास्फेट लेवल्स ड्यू टू द पैराथायरॉयड हार्मोन ओवर सिक्रीशन इज पैराथायरॉयड पॉइजनिंग। ये फास्फेट, इंक्रीज फास्फेट कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, तो दैट विल एक्ट लाइक ए पॉइजन। ओके, अब बात करते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। मेटास्टेटिक मीन्स मेलिग्नेंट और मेटास्टेटिक मीन्स विग्रस, ओवर अनकंट्रोल्ड, ओवर एक्सप्रेस। तो ये कैल्सिफिकेशन अगर होता है, अगर कंसेंट्रेशन राइज करती है मोर देन 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कैल्शियम कंसेंट्रेशन नॉर्मल 9.4 से 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गई, तो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। कहाँ कहाँ पे? एल्वोलाइज में, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन इम्पेयर होगा। थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग खराब होगी। किडनीज के अंदर, तो वो किडनीज को भी इफेक्ट करेगा। आर्टरीज के अंदर भी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। एंड एसिड सिंथेसिस इन द स्टमक, ये एसिड सिंथेसिस स्टमक में, तो उसकी वजह से अल्सरेशन भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से इन नॉर्मल टिश्यूज की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, ठीक है, और फिर उनकी खुद की जो फंक्शन कम होने की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज है वो भी अपेयर होंगी। एंड द किडनी स्टोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि किडनी स्टोन्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। पहली बात, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल राइज कर रहे हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स अपेयर होंगे। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है क्विनल स्टोन्स के लिए, उसका भी फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। हालांकि ऑक्सलेट का फॉर्मेशन या जो कहें ब्लड में लेवल है वो नॉर्मल है, बट क्योंकि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया तो इनका जो इक्विलिब्रियम है, जिसको अपन कहते हैं फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इंक्रीज कैल्शियम ऑक्सलेट की तरफ। मतलब इवन राइज इन द सिंगल आयन कंसेंट्रेशन विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, तो किडनी स्टोन्स विल स्टार्ट अपियरिंग। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हमने जहाँ भी हार्मोन एबनॉर्मलिटीज डिस्कस किए हैं, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की है। सेकेंडरी मीन्स कॉज इजेंट इन द सिक्रीशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है। लेट सपोज कंपनसेशन टू हाइपोकैलेमिया, पेशेंट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम है किसी रीजन से, किसी रीजन में हम आगे देखने वाले हैं वो क्या रीजन है, बट उसके रेस्पॉन्स में पैराथार्मोन ज़्यादा निकल रहा है। दिस इज नो एबनॉर्मलिटी इन पैराथायरॉयड ग्लैंड, ग्लैंड इज ऑल राइट, ग्लैंड में सब कुछ सही है, बट क्योंकि उसको स्टिमुलस ही ऐसा मिल रहा है। ऐसा कब होगा? जब वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मीन्स वाइटामिन डी नहीं है बॉडी में, तो कैल्शियम का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगा। सीआरडी या जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीजेस, तो उसमें कैल्शियम का लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर वक्त हाइपोकैलेमिया रहता है और पैराथार्मोन की एक्सेसिव रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, इसमें एक और टर्म है ऑस्टियोमेलेकिया, तो ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली मिनरलाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ टॉक अबाउट द रिकेट्स, काफ़ी फेमस डिजीज, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन कम होता है और फॉस्फेट आयन कंसेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। हालांकि कैल्शियम और फॉस्फेट के ऊपर इफेक्ट्स बराबर हैं, लेकिन कैल्शियम को मेंटेन करने वाले और मैकेनिज्म्स हैं, फॉस्फेट को मेंटेन करने वाले इतने मैकेनिज्म्स नहीं हैं। तो पैराथार्मोन कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को इतना कम नहीं होने देगा, बट फॉस्फेट की काफ़ी कंसेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगी। एंड लेटर टिटनी में डेवलप, मतलब कैल्शियम इतना कम हो गया कि टिटनी डेवलप हो सकता है। ये बेसिकली बच्चों की डिजीज़ होती है। ओके, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं। ट्रीटमेंट्स, सप्लीमेंट्स, वाइटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर आप देंगे तो रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोमेलेकिया की। इसको बोलते हैं एडल्ट्स में रिकेट्स, मीन्स कैल्सिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन इतना इफेक्ट नहीं होता एडल्ट्स में, बट जो नॉर्मल कैल्शियम के फंक्शंस हैं वो काफ़ी इफेक्ट करने वाले हैं। अब इसमें वाइटामिन डी और कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर रीनल डिजीज हो गई, ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि स्टेटोरिया, यानी ये एक्चुअली कंडीशन होती है जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो फैट सॉल्युबल कैल्शियम आयन्स जो होते हैं, यूजुअली कैल्शियम का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो फैट के थ्रू होता है, तो कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और उसकी वजह से माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे रिकेट्स जैसे। हालांकि इसमें टिटनी वाली स्टेज तक सिचुएशन नहीं पहुंचती है। ओके, बट फिर भी
विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो होगी। इसका रीजन क्या है? रीनल डिजीज। हो सकता है कि किसी को कंजेनाइटल हाइपोफॉस्फेटीमिया हो, एक तरह की सिचुएशन जिसमें फॉस्फेट का रीअब्सॉर्प्शन इम्पेयर्ड होता है और इसकी वजह से उसमें काफी कम कंसंट्रेशन हो सकती है फॉस्फेट एंड कैल्शियम्स की। ओके, ये ऑस्टियोपोरोसिस बाकी डिजीजेस से काफी डिफरेंट है। कैसे? कि इसमें बोन कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती, जबकि बोन मैट्रिक्स की हो जाती है, यानी जो कोलेजन फाइबर्स एंड प्रोटीओग्लाइकन्स मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे थे, जिसका कैल्सिफिकेशन हो रहा था, उसमें काफी कमी आ जाएगी। और इसके लिए सेम रीजन, ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो इफेक्टेड है। कॉजेस क्या है वो देखते हैं, कि फिजिकल स्ट्रेस कम होने की वजह से कहें तो एक्टिविटी कम है, लेजी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बोन्स पे प्रेशर कम पड़ रहा है, तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेकेंड, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ही कम मिल रहा है तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होगा। ओके, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी एक्चुअली सिक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रासेल्युलर लेवल पे कोई भी चीज़ सिक्रीट करनी है तो विटामिन सी का रोल है, तो सिक्रीशन ऑफ ऑस्टियॉइड नहीं हो पाएगा, फॉर्मेशन अगर हो गया तो विटामिन सी डेफिशिएंसी भी में हो सकता है। या फिर एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, एस्ट्रोजन क्यों कम हो रहा है, मेनोपॉज की वजह से हो सकता है, और एस्ट्रोजन की फिर डेफिशिएंसी में ग्लास की एक्टिविटी बढ़ेगी और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करेगी। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के अंदर डिक्लाइन आता है कंसंट्रेशन में तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसा कि ओल्ड एज में देखने को मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी डेफिशिएंसी में बोन मैट्रिक्स की कमी हो जाएगी। नाउ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म अगर किसी रीजन से इंक्रीज है, मीन सेम पॉइंट मल न्यूट्रिशन जैसा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा है, जैसा कि कशिंग सिंड्रोम में होता है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एंड ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी है, अगेन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो इन सारे रीजंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं मीनोपोज के बाद में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।